हेलो स्टूडेंट्स, देखिए कल हमने 9.6 कंप्लीट कर लिया है। उसके दो सवाल हो रहे हैं, जो क्वेश्चन और है वो बता देंगे आपको। देखिए 9.7 में जो है आपकी कुछ फॉर्मूला है, इसके ये फॉर्मूला क्या क्या है। देखिए आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स बराबर होता है ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। दूसरा ये साइन क्या है, ई की पावर ए साइन बी एक्स, ये किसका है, ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, ई की पावर एक्स कॉस बी एक्स। तो ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, इसमें क्या था, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, इसमें क्या है, ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर होगा एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। इसी प्रकार देखिए आगे है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे अंदर माइनस है तो यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस, फॉर्मूला वही रहेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ही आगे तक जाएगा भाई, इसको याद कर लेना अच्छे से। ये दोनों इतने इम्पोर्टेंट नहीं, जितना ये इम्पोर्टेंट है। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, आगे तक लंबा चलेगा इस फॉर्मूला, ये दो इतने नहीं है। तो देखिए ये तो है आपके फॉर्मूले, इन्हीं फॉर्मूलों पर देखिए मैं 9.7 को निकालता हूँ। तो देखिए ये दो ये दोनों फॉर्मूले हैं, ये यहाँ से देखिए आईलेट लगा के इनको सॉल्व करने पर ये फॉर्मूले निकल के आएंगे। आप इसको अगर आपके पास में क्वेश्चन इस रूप में दिया हुआ तो आप डायरेक्ट इसको फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। देखिए मैं दोनों तरीके से आपको सॉल्व बता दूँ। तो देखिए 9.7 को स्टार्ट करते हैं। पहले इसका लॉन्ग मेथड स्टार्ट करेंगे, फिर इसका शॉर्टकट बताएंगे। देखिए पहला है आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई की पावर टू एक्स कॉस एक्स और डी एक्स। 9.7 का पहला ही सवाल है। तो देखिए इसमें आईलेट लगाए, आई लेट आई ए ए टी आईलेट, इसका मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबके लास्ट में आता है। तो टी पहले आता है तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट, और ये क्या हो जाएगा सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। अब इंटीग्रेट करेंगे देखिए इसका। तो देखिए आई इक्वल्स टू फर्स्ट कॉस एक्स इंटीग्रेशन ए के पावर टू एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स इंटीग्रल ए की पावर टू एक्स डी एक्स ओवर डी एक्स, ठीक है भाई। तो देखिए आई इक्वल्स टू यह आ जाएगा ए की पावर टू एक्स का क्या होगा, ए की पावर टू एक्स, और टू एक्स का करूंगा तो टू हमेशा डिवाइड में चला जाता है इंटीग्रल में, और कॉस एक्स माइनस इंटीग्रल कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स, कॉस एक्स का क्या हो गया, सॉरी कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स होता है भाई, कॉस एक्स का माइनस होता है तो ये क्या बन जाएगा प्लस का साइन एक्स। ए की पावर टू एक्स का क्या होता है ए की पावर टू एक्स अपॉन टू, और ये बाहर वाला डी एक्स, ठीक है सर। तो देखिए ये आ जाएगा आई इक्वल्स टू ए की पावर टू एक्स अपॉन टू कॉस एक्स प्लस वन बाई टू, ठीक है सर, वन बाई टू बाहर निकाल दिया, दोबारा फॉर्मूला बन गया ये इंटीग्रेशन ई की पावर टू एक्स साइन एक्स और डी एक्स। तो दोबारा क्या होगा, फर्स्ट साइन एक्स हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा, अब ये क्लोज कर दिया। तो देखिए आई इक्वल्स टू e की पावर टू एक्स अपॉन टू
कॉस एक्स प्लस 1/2। अब देखिए साइन एक्स इंट्री ए की पावर 2x dx माइनस इंट्रीगल d ओवर dx किसका, साइन एक्स का, इंट्रीगल ए की पावर 2x और dx ओवर dx क्लोज। तो देखिए ये आ जाएगा ए की पावर 2x अपॉन 2 cos x प्लस 1/2। देखिए ई की पावर 2x का करेंगे ई की पावर 2x अपॉन 2 साइन एक्स, साथ में मल्टीप्लाई में इसके आ जाएगा माइनस इंटीग्रल साइन एक्स का क्या होता है भाई, साइन एक्स का क्या होता है, डिफरेंशियल cos x होता है, और ई की पावर 2x का क्या होता है भाई, ई की पावर 2x अपॉन 2 होता है, और ये बाहर वाला dx क्लोज। तो देखिए साहब मैं इसको ऊपर करता हूँ, ऊपर करें तो क्या करें, ऊपर करता हूँ इसको, देखिए e की पावर 2x अपॉन 2 cos x प्लस, अब देखिए इसको 1/2 को अंदर लेके जाऊंगा मैं, तो e की पावर 2x अपॉन क्या हो जाएगा 4, ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस ये माइनस माइनस 1/2 इंट्रीगल, ये 1/4 हो जाएगा बाहर आके क्या आ जाएगा, ये 2 बाहर आएगा, ये 2 अंदर जाएगा, 1/4 ई की पावर 2x और कॉस एक्स और डीएक्स। ठीक है सर, अब देखिए ये वापिस हमारा क्वेश्चन बन गया, देखिए e की पावर 2x cos x dx, इसका दो बार हमने इंटीग्रेशन किया एलिट लगा के, तो ये वापिस यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बन गया e की पावर 2x cos x और dx, तो मैं इसको क्या मान लू, किसके बराबर है ये, i के बराबर, तो माइनस का 1/4 i हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा देखिए आगे, ये i बराबर हमारा पास चल रहा था i बराबर e की पावर 2x अपॉन 2 cos x प्लस e की पावर 2x अपॉन 4 sin x माइनस 1/4, ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा i के बराबर, इस 1/4 i को मैं इधर लाता हूँ, देखिए कितना हो जाएगा, ये क्या होता है वो देखिए, i प्लस 1/4 i बराबर e की पावर 2x अपॉन 2 cos x e की पावर 2x अपॉन 4 sin x प्लस c, और ये प्लस c, तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों में e की पावर 2x अपॉन 2 कॉमन आ सकता है भाई, तो ये कितना आ जाएगा 4i प्लस 5i अपॉन 4 e की पावर 2x अपॉन 4 कॉमन ले देता हूँ, e की पावर 2x अपॉन 2, तो यहाँ से एलसीएम आया 4 2, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 cos x, समझ में आ गई, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 2 2 या 4 2 cos x प्लस sin x प्लस सी, तो देखिए 5i का मान निकालूंगा तो 4 से 4 चला जाएगा, ये चला जाएगा, तो i इक्वल्स टू e की पावर 2x अपॉन 5 2 cos x, या पहले साइन लिख दो कोई समस्या नहीं है, साइन x प्लस 2 cos x प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा भाई। ये इसका आंसर है। अब देखिए इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से करते हैं, आईलेट से करेंगे तो ये आएगा सिर्फ, अब इसका जो फॉर्मूला आता है उस फॉर्मूले से देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूं, फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, देखिए
ये है e की पावर ए एक्स कॉस और डी एक्स। तो इसका जो फॉर्मूला आता है क्या होगा, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स और डी एक्स बराबर, इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है e की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस डी साइन बी एक्स प्लस सी। अब देखिए मैं इसको डायरेक्ट निकालता हूं, e की पावर देखिए इसकी कंपेयरिंग इसके साथ करो, इसका कंपेयर करना है इसके साथ में। तो देखिए यहां पर a बराबर कितना आ रहा है e की पावर ए एक्स, तो a e की पावर 2x है, तो a की जगह क्या आ रहा है ए एक्स, इसके साथ कंपेयरिंग करूंगा तो a बराबर कितना आ रहा है, a की जगह कितना है 2, तो a बराबर तो मेरे पास में कितना आ गया 2। अब देखिए cos cos यहां पर देखिए ओनली cos x है, इसका जो cos x का x का जो कोफिशिएंट है x का जो यहां पे देखिए x का कोफिशिएंट यहां पे क्या है b, x का कोफिशिएंट क्या है b, तो यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो b बराबर क्या आ गया 1 आ गया भाई। देखिए यहां से इसकी कंपेयरिंग कर रहा हूं दोनों की, मैं a बराबर यहां पे कितना है 2, यहां से देखिए b x है तो x का जो कोफिशिएंट है वो इधर क्या है b, तो यहां पे b x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो b बराबर क्या हो गया 1। अब इसमें देखिए अप्लाई करते हैं सीधा इसको, तो ये आ जाएगा e की पावर a की जगह कितना रखूं 2x अपॉन a, a का मतलब 2 की स्क्वायर, a स्क्वायर है ना 2 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर ब्रैकेट a, a का मतलब 2 cos b, b का मतलब 1 है तो cos x ही आ जाएगा प्लस b का मतलब 1 है और sin b का मतलब 1 है x प्लस c। तो देखिए ये आ जाएगा e की पावर 2x अपॉन 4 प्लस 1 5 2 cos x प्लस sin x प्लस c, ये इसका आंसर आ गया भाई। लेकिन आप जब इसको आईलेट से जब सॉल्व करोगे तो आपको वैसा निकालना पड़ेगा, अगर आप बगैर आईलेट इसको निकालते हो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हो तो आपको ये फॉर्मूला इसमें लिखना पड़ेगा, पहले क्या करना पड़ेगा लिखना पड़ेगा उसके बाद में ये फॉर्म सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। बात समझ में आई मेरी, जब आप इस फॉर्मूले से इसको डायरेक्ट कर रहे हो तो फॉर्मूला अगले को लिख के दिखाना है कि हमारे पास में ये फॉर्मूला आता है, ये इसका आंसर होता है। बात समझ में आ गई, अगर फॉर्मूला नहीं लगाते हो आईलेट से निकाल दो तो आपको प्रोसेस वही करना पड़ेगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन के अकॉर्डिंग। अगर फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट इसको इससे कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको, चाहे तो साइड में लिखो चाहे स्टार्ट में लिखो, कहीं लिखना पड़ेगा। लेकिन आगे देखिए क्वेश्चन इस प्रकार, देखिए 9.27 में 2 का क्वेश्चन देखिए, मैं सारे क्वेश्चन आप इसी फॉर्मेट में निकालूंगा, आप आईलेट के थ्रू भी निकाल सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है आपको। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए I इक्वल्स इंटीग्रेशन साइन log x और dx। देखिए मैं log x बराबर t मान लेता हूं, log x बराबर क्या मान लेता हूं t, अब समझने की बात देखना, अगर मैं log x का डिफरेंशियल करता हूं तो 1 अपॉन x dx बराबर dt होता है, लेकिन इसमें 1 अपॉन x है नहीं, इसमें 1 अपॉन x है नहीं, तो इसलिए इसका यहां पर डिफरेंशियल नहीं करेंगे, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे इसकी। तो देखिए अगर 1 अपॉन x होता तब तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेते, लेकिन यहां पर 1 अपॉन x है नहीं इसमें, तो क्या करेंगे इसको हटाएंगे, यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, जब ये log इधर में जाएगा तो e बेस में आ जाता है, तो यहां से मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा x बराबर, तो ये log e बेस में चला जाएगा e की पावर t, किस में चला गया ये जो log है e बेस में आ जाता है e की पावर t log के नियम से। तो अगली बात log x बराबर t, तो log इसमें यहां से x की वैल्यू निकालूंगा तो log इधर जाएगा e बेस की पावर t हो जाएगी e की पावर t।
अब मैं इसका डिफरेंशिएट करता हूँ, मेरे को dx की वैल्यू चाहिए, तो dx बराबर e की पावर t का क्या होता है, e की पावर t dt, e पावर t dt। अब देखिए I equals integration sin, पहले तो मैं देखिए dx बराबर क्या लिख दूं, e की पावर t लिख दिया, dx बराबर e की पावर t, और यहां से देखिए sin log x बराबर क्या आ गया t dt, ठीक है, क्या आ गया e की पावर t sin t dt। अब आप या तो यहां से आइलेट का जो फॉर्मूला है वो लगाओ, फर्स्ट और सेकंड मान के, तो फर्स्ट ये हो जाएगा sin t, सेकंड e की पावर t होगा, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला इसका वो लगाओ, तो वो फॉर्मूला क्या है, e की पावर a x sin b x बराबर होता है e की पावर a x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a sin bx माइनस b cos bx प्लस, ये फॉर्मूला होता है भाई इसका, क्या होता है ये फॉर्मूला होगा। अब इसमें इसको अप्लाई करते हैं, देखिए देखिए सर, अब मैं इसकी कंपेयरिंग इसके साथ करता हूं, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले की कंपेयरिंग मैं इसके साथ करता हूं, तो देखिए a बराबर क्या आ जाएगा, देखिए x का कोफिशिएंट a, यहां पे t का कोफिशिएंट क्या है एक है, तो a बराबर तो क्या आ गया वन आ गया, a बराबर क्या आ गया वन आ गया। अब b की कोफिशिएंट यहां पे करता हूं, तो यहां पे b है नहीं, देखिए x का कोफिशिएंट यहां पे क्या है b, तो यहां पे t का कोफिशिएंट क्या है वन, तो b बराबर क्या आ गया वन। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो इसमें, तो देखिए i बराबर क्या आ जाएगा e की पावर a, a की जगह हमारे पास में एक है, x की जगह हमारे पास में t है, तो e की पावर t, a का मतलब वन है b का मतलब भी वन है, अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a बराबर भी वन b बराबर भी वन, a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ठीक है, a a का मतलब वन sin, b का मतलब भी क्या है वन है, तो sin t आ जाएगा, x की जगह हमारे पास में क्या है t है, देखिए फंक्शन चेंज है, या x में यहां पे t में, तो यहाँ पे x में है तो यहाँ पे किस में है t में, तो इनकी कोफिशिएंट देखिए यहाँ पे t आ जाएगा, माइनस b का मतलब एक है और cos b का मतलब एक, और x की जगह क्या है t plus c। अब देखिए ये क्या बन जाएगा, इसको वापिस इसमें लेके आएंगे भाई, e की पावर t, e की पावर t का मतलब x है, देखिए e की पावर t आ गया ना, इसका मतलब क्या है यहाँ पे x अपॉन टू साइन t, t की जगह क्या आ जाएगा log x, और माइनस cos log x और प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा भाई, x by 2 sin log x माइनस cos log x प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 3 का, I equals to integration e की पावर tan inverse x upon 1 plus x square a 3 by 2 per dx। तो देखिए tan इनवर्स x बराबर अगर t मानता हूं तो 1 प्लस x स्क्वायर खत्म हो जाए, लेकिन ये 3 बाई 2 है तो 3 बाई 2 को क्या अपन अनरूट करेंगे, फिर इसको एक अनरूट से बाहर निकाल के इसको 1 प्लस x स्क्वायर करेंगे, तो मैं देखिए इसको ऐसे कर लेता हूं, पुट कर लेता हूं tan इनवर्स x बराबर मैं मान लेता हूं t, ठीक है, यहां से मैं x की वैल्यू निकालूं क्योंकि इसमें x की वैल्यू रखनी पड़ेगी वैल्यू, तो tan इनवर्स x बराबर t, तो x बराबर क्या जाएगा tan t, बात समझ में आ गई। अब मैं इसका डिफरेंशियल कर देता हूं, तो dx बराबर क्या आ जाएगा tan t का sec स्क्वायर t, tan x का क्या होता है
डिफरेंशियल टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स sec square t dt. अब देखिए मैं इस पे रखता हूँ उसको I equals to integral, भाई आप इसको ऐसे भी कर सकते हो under root 1 plus x square into 1 plus x square, यहाँ से खत्म करके फिर भी आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी. देखिए dx ये आ गया e की पावर, ये आ जाएगा e की पावर t, tan inverse x बराबर क्या बन गया मैंने t upon 1 plus x बराबर मैंने क्या मान लिया tan t, तो tan square t और ये इसकी कितनी आएगी 3 by 2 into dx बराबर क्या आ जाएगा sec square t और dt. ठीक है भाई, मैंने क्या किया है कि tan inverse x बराबर t, आप डिफरेंशियल भी कर सकते हो इसका, लेकिन यहाँ पे अंडरूट आ जाएगा और एक 1 plus x square आ जाएगा. ठीक है ना, तो फिर भी आपको x की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी तभी वो सॉल्व होगा. तो हमको इस कार्ड से पहले निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू. तो tan inverse x बराबर t, x बराबर tan t, तो इसमें x की जगह हम ये वैल्यू रख दी और ये वैल्यू रख दी. तो देखिए I equals to e की पावर t sec square t dt divided by 1 plus tan square x, 1 plus tan square x sec square x, तो यानी कि sec square t हो जाएगा ये, और इसकी कितनी है 3 by 2 और 2 से 2 कटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा क्यूब. I equals to integration e की पावर t तो sec square t और dt डिवाइड कितना आ गया sec cube t, sec cube t तो एक कट जाएगा इसके साथ में, तो e की पावर t अपॉन sec t अपॉन sec t dt, तो ये आ जाएगा e की पावर t sec t ऊपर जाएगा cos t dt. अब वही फॉर्मूला बन गया cos वाला बन गया, इसका मतलब cos का फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें. तो देखिए cos का फॉर्मूला हमारे पास में क्या था भाई, जो कि e की पावर ax cos bx और बराबर क्या हो जाएगा e की पावर ax upon a square plus b square, तो ये आ जाएगा a cos bx plus b sin bx plus c. ये होता है, इसमें रख दो भाई. चलो इसमें रखते, देखिए यहां से कंपेयरिंग करें तो a बराबर क्या आ जाएगा 1 और b बराबर क्या आ जाएगा 1, तो रख दो भाई इसमें क्या आएगा, तो i बराबर क्या आ जाएगा e की पावर t अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस 1 की स्क्वायर 2, ये आ जाएगा ए की जगह 1 cos t, यहाँ पे क्या आ जाएगा cos t प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा sin t प्लस c. ठीक है साहब, अब देखिए यहाँ से tan t, अगर मैं cos t और sin t की वैल्यू निकाल, या तो आप इसको देखिए डायरेक्ट यहाँ से लिख देते हैं t बराबर क्या लिखते हैं tan inverse x और sin t, या फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा यहाँ से cos t और sin t की वैल्यू निकाले. तो देखिए cos t और sin t की वैल्यू क्या आएगी, तो देखिए निकाल लेते हैं, तो l l upon k k ये tan होता है, तो देखिए tan x tan inverse x, तो tan t बराबर क्या है यहाँ पे एंगल क्या है हमारे पास में t, तो ये हो जाएगा x upon 1 है ना, तो यानी कि x upon 1 ये आ गया, तो ये क्या आ गया भाई अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर आ जाएगा, आ गया ना भाई, आ गया ना tan t का 1 x upon 1 है, तो ये l है परपेंडिकुलर इसका क्या दे रखा है x, बेस का दे रखा है इसका 1, तो t का वैल्यू निकाल ले, t इसका एंगल है, तो देखिए ये 1 और ये x, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर. अगर मैं यहाँ से cos t की वैल्यू निकालूं तो क्या cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर, और sin t की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो sin t क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर.
अगर मैं इनको यहाँ पर रखता हूँ, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर t, t का मतलब tan इनवर्स x अपॉन 2 cos t का वैल्यू मैंने निकाल लिया, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसका एलसीएम लेंगे तो x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा भाई। सवाल गलत लिख दिया भाई हमने, यहाँ पे ए ओवर है। तो भाई देखिए इसका प्रोसेस यही रहेगा, प्रोसेस तो इसका यही रहने वाला है। यहाँ पे देखिए ई की पावर ए टेन इनवर्स एक्स है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई की पावर ए टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ से देखिए क्या है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ए का ए रहेगा, बी का बी रहेगा, ए का ए रहेगा और बी का मान ए बराबर ए हो जाएगा हमारे पास में। यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। लेकिन भाई इसको पहले इसको देखना पड़ेगा गड़बड़ कहाँ की है इसका। अगर इसको आप ऐसे निकालोगे तो सेम आपका फॉर्मूला आंसर यही आने वाला है। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। अगर यहाँ पे आप ए करोगे तो उस ए के हिसाब से इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं आए तो मेरे को कल मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा इसका। इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मैंने यहाँ पे ए नहीं लगाया भाई, ध्यान रखना क्वेश्चन 3 में मैंने इसमें ए छोड़ दिया है, पहले तो दिखा नहीं है। तो अगर ये क्वेश्चन ए नहीं है तब तो ये एकदम ऑलरेडी सही है। अगर आप इसको ए करते हो तो आप ए के हिसाब से इसको सॉल्व कर लेना, सेम टू सेम ए प्लस ही सही रहेगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है देखिए, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए की एक्स अपॉन रूट टू कॉस एक्स प्लस अल्फा पर डी एक्स, एक्स प्लस अल्फा पर डी एक्स। तो देखिए फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, ई की पावर ए एक्स कॉस डी एक्स। चलो मैं पर इसको एक्स प्लस अल्फा को टी में चेंज कर देता हूँ, मान लेता हूँ, लेट कर लेते हैं इसको, लेट एक्स प्लस अल्फा बराबर टी मान लू मैं, तो टी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी। लेट कर लेता हूँ एक्स प्लस अल्फा बराबर टी, डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी। तो देखिए चलो पढ़ लेंगे, आई इक्वल्स टू इंटीग्रल ए की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स बराबर क्या होता है, cos bx dx बराबर e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a cos bx प्लस b sin bx प्लस c। इसका फॉर्मूला आता है, इसकी कंपेयरिंग करो। देखिए इसकी कंपेयरिंग करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा a, a बराबर क्या है यहाँ पे 1 अपॉन रूट 2, b बराबर देखिए क्या है, ये तो इसका x है, ये क्या है इसका, यानी कि cos x होता है ना, ये है इसका पूरा x। तो इसका कोफिशिएंट x प्लस अल्फा का कोफिशिएंट क्या है, एक। तो यहां से देखिए b, b का मतलब यहां पे क्या आ जाएगा, एक। अब इसमें अप्लाई कर दो, देखिए i इक्वल्स टू इंटीग्रल e की पावर a, a का मतलब 1 अपॉन रूट टू, यानी कि x अपॉन रूट टू आ जाएगा अपॉन 1 अपॉन रूट टू का होल स्क्वायर प्लस 1, और यह आ जाएगा a, a का मतलब हमारे पास में 1 अपॉन रूट टू और cos x प्लस अल्फा, b की जगह हमारे पास में एक है और x की जगह हमारे पास में क्या है, x प्लस अल्फा प्लस b, b का मतलब एक है, a का मतलब ये लिख दिया, b का मतलब एक, b का मतलब एक साइन,
साइन बी का मतलब एक एक्स की देते क्या है एक्स प्लस अल्फा प्लस सी। तो देखिए सब ये आ जाएगा e की पावर एक्स अपॉन रूट टू, नीचे आ जाएगा देखिए वन बाई टू प्लस वन तो थ्री बाई टू, थ्री बाई टू आ जाएगा तो टू बाई थ्री हो जाएगा, ऊपर जाके ये कितना आ जाएगा इसकी स्क्वायर करेंगे तो वन बाई टू प्लस वन टू प्लस वन थ्री बाई टू, और ये आ जाएगा कॉस एक्स प्लस अल्फा अपॉन रूट टू प्लस साइन एक्स प्लस अल्फा प्लस सी। अब ये देखिए टू ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा टू बाई थ्री, टू बाई थ्री, और ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ आए भाई? तो देखिए e की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स का है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा e की पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। अब देखिए इसकी कंपेयरिंग इसके साथ करते हैं तो a बराबर क्या आ जाएगा वन बाई रूट टू, बी की जगह यहाँ पे देखिए ये एक्स प्लस अल्फा ये इसका बी नहीं है जहां तक ना, ये इसका एंगल है तो एंगल की देखिए ये इसका एंगल है बी एक्स तो यहाँ पे बी है तो यहाँ पर इसका क्या है वन है तो बी बराबर क्या आ गया वन, तो ये आ जाएगा। अब इस बार देखिए इस फॉर्मूले के अंदर इसको अप्लाई कर दिया और आंसर आ गया। इसको आप आईनेट से भी निकाल सकते हो, फर्स्ट कौन हो जाएगा ये, सेकंड ये हो जाएगा, वैसे निकाल लो। क्वेश्चन नंबर देखिए आगे फाइव का, साइन स्क्वायर एक्स, क्वेश्चन नंबर फाइव के फाइव का है आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। देखिए सब साइन स्क्वायर आ गया इसमें, साइन स्क्वायर का कोई इंटीग्रल नहीं होता है, अगर हाईलाइट लगाएंगे तो अभी इसका हाईलाइट भी हो जाएगा लेकिन यहां पे देखिए। अब देखिए इसको क्या करते हैं, देखिए कॉस टू एक्स बराबर क्या होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है cos 2x का 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, तो 2 sin स्क्वायर x बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस cos 2x, और sin स्क्वायर x बराबर क्या आ गया 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, तो sin स्क्वायर x की वैल्यू मेरे पास में ये आ गई 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। तो देखिए i इक्वल्स टू इंटीग्रल e की पावर x, और देखिए sin स्क्वायर x की वैल्यू मेरे पास में आ गई 1 माइनस cos 2x अपॉन टू और डी एक्स। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आ जाएगा ई की पावर एक्स अपॉन टू डी एक्स माइनस ई की पावर एक्स और वन बाई टू को बाहर ले लूँ मैं और कॉस टू एक्स डी एक्स। देखिए इसको अंदर मल्टीप्लाई किया मैंने ई की एक्स अपॉन टू डी एक्स माइनस वन बाई टू ई की पावर एक्स कॉस टू एक्स। तो देखिए ई की पावर एक्स का तो हम जानते हैं क्या होता है e की पावर x अपॉन टू आ जाएगा, e की 1 अपॉन टू बाहर निकालो e की पावर x का डिफरेंशियल सॉरी इंटीग्रल करूंगा तो क्या आ जाएगा e की पावर x अपॉन टू माइनस। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे कौन सा cos x वाला, देखिए इन चूंकि e की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स बराबर क्या होता है e की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a cos dx plus b sin dx, ये फॉर्मूला यहाँ पे फॉर्मूला साइड में दिखा देना भाई इसको माइनस वन बाई टू, ठीक है भाई वन बाई टू बार है e की पावर a की कंपेयरिंग करूं तो यहाँ पे क्या है a की है तो ये e की पावर x ही होगा अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे देखिए a बराबर वन है तो b की अगर कंपेयरिंग करूं तो b कितना है दो है यहाँ पे, तो देखिए a बराबर वन है b बराबर इसमें क्या है दो, तो ए का मान एक बी का दो की स्क्वायर करूंगा चार, चार प्लस एक फाइव पांच हो गया। अब देखिए यहां से ए ए का मतलब वन कॉस, ए का मतलब वन कॉस, बी का मतलब दो कॉस टू एक्स, बी का मतलब दो टू साइन, बी का मतलब दो साइन टू एक्स हो गया और प्लस सी।
तो देखिए ये क्या आ जाएगा, ए की एक्स अपॉन टू माइनस ए की एक्स अपॉन टेन, ठीक है भाई, फाइव टू तो टेन होगा, ये हो जाएगा कॉस टू एक्स प्लस टू साइन टू एक्स, सॉरी प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा, ए की एक्स बाई टू तो ये था इसका आंसर 9.7 का क्वेश्चन नंबर 5 था। देखिए मैंने 9.6 में दो क्वेश्चन छोड़ दिए थे, उसको देखिए मैं बता देता हूँ, करना आपको ही है, करना आपको ही है इसमें 9.6 में। तो देखिए में 21 का क्वेश्चन था, मैंने छोड़ा था कल, 9.6 में क्वेश्चन नंबर 21 था, आई इक्वल्स टू इंटीग्रल कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स है, तो कॉस, देखिए हमने चैप्टर नंबर 2 में कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या पढ़ा था, देखिए सेक इनवर्स एक्स पढ़ा था ना, तो सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा कॉस इनवर्स, तो यहाँ से 1 लगा दो तो फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकेंड ये हो जाएगा, आई डेट लगा लो हो जाएगा, फिर देखिए साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है, ये साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रल है, या तो इसके साथ में वन लगा लो, क्या लगा लो, वन लगा लो, या फिर इसको साइन इनवर्स एक्स बराबर टी मान लो, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा साइन टी, एक्स बराबर क्या आ जाएगा साइन टी, तो डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा कॉस टी डी टी, देखिए इंटीग्रल क्या बनेगा साइन इनवर्स एक्स बराबर टी, तो टी का स्क्वायर, और ये आ जाएगा डी एक्स बराबर कॉस टी डी टी, तो देखिए अब आईलेट लगाएंगे तो फर्स्ट ये हो जाएगा सेकेंड ये हो जाएगा, अब आगे सोल्व कर लो, लास्ट में जाके टी में आंसर आएगा इसका, टी को वापस एक्स में चेंज कर देना इसका आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।